ओ मिश्राणी। हाँ बोल मिश्राणी के भाई। आप तो बदामी बदामी हो रही है। देख एक बात बताऊं। हाँ। मेरी आवाज नहीं आ रही, इसकी नहीं आ रही, मेरी नहीं आ रही, किसकी नहीं आ रही? तुमने आवाज सारा की आ रही है, तुमने मजे लेने हैं बस। ठीक अब आई, आ गई ना? अब कभी आई ना आई, आवेगी। देख मेरी बात सुन। हाँ। जितने भी सूट कपड़े लगते हैं ना, मैं अपने पियर तला रही हूं, तेरा कुछ नहीं दिलाया मेरे तो आज तक। झूठ हाँ। बोलती है तू, सरासर झूठ बोलती है। ये कान के कहां तलाई? हाँ? घर तक ना को जो तू करण वाला है ना, मैं सारी समझ रही हूं। समझ तो मैं भी रहा हूं, तने करने नहीं दूंगी। यो ना का तेरी माँ के घर तक। अब बोल। या पायल तेरी माँ के घर तक। या पजेब तेरी माँ के घर तक। यो छोरा ये छोरा तेरे जिज्जा के घर है। बड़ी लपर लपर बोल रही है। सुन मेरी बात, या तो तू यो पतला दुपट्टा उठना छोड़ दे। क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ही दिक्कत भाई। हरियाणा में एक गाना है कि हाँ। देखने वाली चीज ना देखने तो पेटा भरिया करे। सही बात है ना? अगर मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी हाँ। तो ये राजी क्यों करोगे? और ये राजी नहीं होंगे तो इनकी उम्र कैसे बढ़ेगी? और उम्र नहीं बढ़ेगी तो दोबारा क्यों कर बुलाऊंगे? नहीं या तो मैंने मान ली, पर गड़बड़ तो तू और भी कर रही है। गांव में एक बहू ऐसी होनी चाहिए जो पूरे गांव का जी लगा के रखे। अच्छा, ऐसा जी मैंने नहीं लगवाना है, सुन मेरी बात। और हर गांव में तेरे जैसा पति भी होना चाहिए। अच्छा सुन ले मेरी बात। हई तो करिए, कौन सा तीर मार दिया? पतेला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, हीरे मुंह दिखे मेरा हई। अच्छा हीरे पतेला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे। मेरे ओठन पहरण के सदन। अच्छा मेरे ओठन पहरण के सदन पिया बात बात क्यों चीखे पतला। कौन सी मेरी चाल मटकने कड़े थे बंदर, क्या जाने अदरक का स्वाद? बंदर नहीं पता अदरक का स्वाद तो बाकी किसी ने पता भी ना चला है। अरे हई अरे हई अरे हई अरे हई पूरे हई जान।
नजर लुक हया रागनी की ऐसी तैसी हो रही है, कहन पड़ रहा है। पिया मन जा हर मेरा मानता, पिया जी मन जा आज मेरी छपना ली मैं तो नहीं मान गया। मेरा क्यों कर लग जा की नजर, अच्छा मेरा क्यों कर लग जा की नजर, तभी बांध रखा कस के तेरा तू पता तेरा मोदी के मोदी के तेरा तेरा तू पता तेरा मोदी के मोदी के तेरा मोदी के। अरे लोगों जरा देखो ये लड़की है छोरा खड़ा है, इसके आज फोटो निकलवा के अखबार में देने पड़ेंगे। ये जो आदमी है बहुत काम का है, ये पैदाइशी ऐसा नहीं है। मारी रिकॉर्डिंग धूप में कर करके इसका देखो किस हाल हो गया। अरे अजय हुड्डा ने भी, अजय हुड्डा ने बहुत बढ़िया गाना लिखा बहु काले की, इसी को देख के लिखा गया वो गाना। अच्छा मेरा गोरा रंग से, मेरा गोरा रंग से काला सूट सिमा, मेरी कल्लो मेरी बल्लो मेरी कल्लो मेरी बल्लो मेरी कल्लो जी तो लग रहा है ना, लग रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा दो। मेरा गोरा रंग से काला सूट सिमा, इस गोरे रंग ने ओ इस गोरे रंग ने है लगो मेरी पते। मेरा गोरा रंग से काला सूट सिमा, इस गोरे रंग ने लगो मेरी पते। मैं ना जानता तू मान ले, मैं ना मानता दे जान ले कदी ना जानता। आप जनवाओ जी उन्हें नहीं मानता। अच्छी है अरे है अरे है अच्छी है अरे है के बात? यो दम 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 दूर तक ठीक है ना, मेरे पास आ गया तो तेरा सच में दम निकल जाएगा। दमा दमे तारे तारे दमा दमे तारे 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 दम ठीक ला ले दमारे दम ठीक ला ले धवारू धवारी धवारी तू तो भीतर सीने चारे हाथ
पड़ जानूंगा जी, मैं गरीब आदमी हूँ। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जान में हुआ है बुरा। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, हाय मैं का करूँ राम, मुझे पुट्ठा मिल गया। तो जाना तो खत्म करना है प्रधान जी, करेंगे काम पूरा करना है। हाँ कोई सुना देगा बेटा। देखो जी अपन प्रोग्राम शुरू करा, कल तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और काफी लोग बहुत सारी इच्छाएं लेके आए हैं, क्योंकि मैं काफी लोगों को, किसी को 1.5 साल बाद दिखी हूं, किसी को 1 साल बाद दिखी हूं। तो आप टेंशन मत लो, चाहे मैं 2 घंटे बाद जाऊं यहां से, लेकिन सबकी इच्छा पूरी करके जाऊं। तू खाना आलसी, आलसी बहुत आलसी है। हाथ छोड़। नहीं हाथ छोड़, मिला हाथ में हाथ ना जिंदगी भरियो छुट्टेगा, तेरे मेरे प्यार का कंट्रोल इस महफिल में टूटेगा। हाई, 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 पूरा हाई। मेरी भरी जवानी के हरप पढ़ने हर और ईख नलान चाल खट Yeah.
जयमल के घर में खाना खाने के लिए आता है। सज्जनों कहा करते हैं कि पां टेका और सामने शीश बंदरी की साड़ी सूखते हुए देख लेता है। साड़ी सूखते हुए देखी, कहने लगे साड़ी किसकी, पार तो जब पड़े जब ये साड़ी आड़ी मेरे ब्याई जा। आई सज्जनों शीश बंदरी उसको समझाते हुए किस प्रकार से क्या कहने लग जाती है। कहा करते घर कुटुंब में बहुत लड़ाई होया करे, लेकिन एक औरत ऐसी चीज होती है जो चावे तो घर बसा दे और चावे तो घर बिगाड़ दे। आइए किस प्रकार से क्या कहने लगा, क्या क्या कहने लगी, क्या बता दे, क्या बात है। ए रे पितसरे समझौता कर ले, मैं ब्याह सगाई सो बहन मेरे छोटी समय इसी लुगाई सोला तू, इसी लुगाई सोला तू। और जिसी बहन मेरी छोटी से मैं इसी लुगाई सोला दूं। आइए पहली बात में समझाते हुए किस प्रकार से क्या कहने लगी। आइए कहने लगी कि घर कुंबा एक मुट्ठी की तरह होया करे, जब तक यो न्यू बंदा रहा करे, जब तक इस घर के ऊपर बड़े का हाथ होया करे। घर में तो बड़े का जैसे ही साया उठ जाया करे, बिल्कुल मुट्ठी खुल जाया करे, घर परिवार बिखर जाया करे। कहने लगे कि मुट्ठी बंदी रहने दे पितसरे, इसने खुले मत ना। और आइए पहली बात में क्या बताने लगे, क्या बताया। वो काम तो करना है, लेकिन वो काम करते करते जो तने करना है वो सिर्फ मैं तने समझा सकू हूं। आइए दूसरी बात में कैसे क्या समझाने लगी और मसाले करे
समझौता करना पड़ेगा, वे सारी चीज भी उल्टी देनी पड़ेगी जो हमारी थारे धोरे है। और के मांगण लागे तीसरी बात में ये बता दिया के कहा शांत करके झगड़ा बुझा दिया करें। लेकिन जब दो मर्द आपस में टकराया करें के तो इधर का जगह के इधर का जगह, लेकिन ये बात झूठ है। वैसे लोग कह दिया करते हैं कि बीरबानी की अकल घुटने में होया करें, ना अकल तो यही होया करे, आदमिया की अकल घुटने में होया करे, क्योंकि दिमाग तक काम नहीं लिया करते। आइए आखिरी बात में किस प्रकार से के लिख दिया के बता दिया की सुनी सुनाई बात। पता ना कौन से कलाकार का कौन सी रागनी बैठ जाओ। आइए बात लेकर चलते हैं हीरे रांझे के किस्से से। ओ हीरे बोलिए मियां रांझे, आज तो हीरे काली काली हो रही है, तू भी तो काला काला हो रहा हीरे। हाँ मैंने तेरी 12 साल भैंस चराई। अच्छा, और तू जब भी हाथ ना आई, 12 साल भैंस चराई जब भी हाथ ना आई। हाँ। तू अच्छा? 3 दिन जाने की बात कर रही है। और तू 12 साल मेरे धोरे रहा के पाट दिया तने। मैं तो पाटने पाटने भी रहा हूँ। सुन मेरी बात के? ओए
काने के घरियाली ले घर का की ताली अच्छा दे दे कंबली काली सच्चा
लड़की मते ना हो राजी बनके दुल्हन काने की होगी गुनह कार तू ते रांझे थाने की। अरे चार ऐसी मुलाकातें होगी
जी हूँ और हूँ। गुरु ईश्वर सिंह नु कहे थे प्यारे ना करिए, गुरु ईश्वर सिंह प्यारे ना करिए, आनंद की जिंदगी बेकार ना करिए, औरत की गैला अखियां चारे ना करिए, दे जागी धोखा दिल ते प्यारे ना करी, अरे दे जागी धोखा दिल ते प्यारी ना करी, दे जागी धोखा दिल ते प्यारी ना करी, ए धोखे बाज आई ना ना, ए धोखे बाज आई ना ना, जद सिंह असी जद सिंह ऐसी कहानी बना में सुने दुनिया को बेगी उन्हें कहले देहरा में इस रंज है पानी की बड़ी लहास Oh!
बात बिल्कुल सुनने की बात, बिल्कुल घूमने की बात। आइए दादा ने क्या बताया। कर गया नाम देश में कर गया।
तो समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एक बार जोरदार ताली बजा दो। आइए चौथी बात में क्या बताया। हर नंदी मत धमकावे ना होती गात समाई सिरसा में आपने दिस मन करे वाकी लोग नसाई हर नंदी मत धमकावेरी हर नंदी मत धमकावे ना होती गत समाई सिरसा में आके दुश्मन पर वादी लोग हसाई सिरसा में आके दुश्मन पर वादी लोग हसाई मेरे तेरे घर आने ते तेरी क्यों कर होगी हासी सारी सिरसा में चर्चा मारे बात पर सन्यासी सारी सिरसा में चर्चा मारे बात पर सन्यासी सबका भला करन वाला वा कृष्ण जी अविनाशी सास ननद ताने ले
अपने आप नहीं आया री, अपने आप नहीं आया, गया चिट्ठी लेके नाई। तू लेके मोटा न बैठा बड़ी ओ मैं अब उड़ाई, तू लेके मोटा न बैठा बड़ी ओ मैं अब उड़ाई। त्रिलोकी सब भली करी, त्रिलोकी सब भली करे, मेरी बेटी रख भरोसा। मेरी नंदी हंस के न्यू बोली के देगा बात मैं मोसा, मेरी नंदी हंस के न्यू बोली के देगा बात मैं मोसा। तेरा कृष्ण बात भरण आवे जो जग का पाला पोसा। इतने बात बरा देगा चोरी ते माखन खोसा, कितने बात बरा देगा चोरी ते माखन खोसा। तू जिसने चोर बतावे सरी, जिसने चोर बतावे से मने उसमें सुर्ती लाई। वो चलिया तेरा सज्ञा नहीं तने दौलत से लुटाई, वो चलिया तेरा नहीं था आवनिया मेरी न्यू बन गिला चारी। तू खाली हाथ चला आया के देगा बात भिखारी, तू खाली हाथ चला आया के देगा बात भिखारी। कदे नौकर चाकर टहले कर थे चलती थी साहूकारी, तन अपने हाथा आप उजाड़ी अपने हाथा आप उजाड़ी अपनी केसर क्यारी। मेरे साथ में आने सरी, मेरे साथ में आने से गए नाट भतीजे भाई। तने कौन सचाया फुट में बता क्यों झूठी करे बुराई, तने कौन सचाया फुट में बता क्यों झूठी करे बुराई। धीरजधार सबर कर बेटी, धीरजधार सबर कर बेटी, हिम्मत न हारे ना। लेके मोटा ने चाला जा रुके मेरे द्वारे ना, तू लेके मोटा ने चाला जा रुके मेरे द्वारे ना। मैं दिन लिकड़े चाला जांगा लाडो धक्के मारे ना। तेरे अगर चौना जाके बुझ लिए री, चौना जाके बुझ लिए कर सुरेंद्र सिंह कविताई। हेमचंद बबली किरसन पे या दुनिया बिसराई, हेमचंद बबली किरसन पे या दुनिया बिसराई। हर नंदी मत धमकावे री, हर नंदी मत धमकावे, ना होती
याद समाई सिरसा में आके दुश्मन करवा दी लोग हसाई सिरसा में आके दुश्मन करवा दी लोग हसाई। यह रागनी राज कैसिट के सौजन्य से आपके बीच में और जिसके सिंगर कलाकार हैं बबली अनजान आशीर्वाद भूलन त्यागी जी रिकॉर्डिंग सेंटर इंद्राणी स्टूडियो दयाल। कलम तोड़गी लिखते पूंजी राख दीवाड़ा करगी कलम तोड़गी लिखते पूंजी राख दीवाड़ा करगी We'll be right back.
सताया हुआ इंसान हूँ। अच्छा। और बड़ी दूर से आया हूँ। अच्छा। एक लोटा पानी पिला दे मेरे। पानी पिला दूँ? एक लोटा पानी पिला दे। देखिए, हाँ, आप परदेसी हो, हाँ, और आप यहाँ पर पानी पीने के लिए आए हो, हाँ, आप पानी अपने आप पी सकते हो, लेकिन मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। मन बहुत जोर की प्यास लगी, अगर तू तेरा हाथ पानी पिला देगी तो थोड़ा सा और ज्यादा पानी पिला जाएगा। देखिए, हाँ, मेरी एक लड़की की जात है, हाँ, मैं आपने पानी नहीं पिला सकती, ना मैं आपसे बातचीत करना चाहती। आप मेरी बात सुनिए एक बार। बताइए क्या करना चाहती है। हो तू कोणी कड़े ते आया, अरे प्या पानी मरूं तिसाया, हो तू कौन कड़े ते आया, अरे प्या पानी मरूं तिसाया, पानी मरूं तिसाया।
कोई परदेशी आ जाता है। अच्छा, एक इंसान का फर्ज बनता, धर्म बनता उसको पानी पिलाना। देखिए हाँ? अगर कोई ठीक ठाक इंसान हो तो उसको पानी पियाया भी जा। तना मैं बदमाश किस तरह लग गया? लेकिन आपकी निगाह से मेरे को आप बदमाश लगे। मेरी नजरों से बदमाश लग गया? बिल्कुल। यानी कि तेरी तरफ देखना गुनाह है? बिल्कुल गुनाह है जी। क्या बताइए? सुनिए मेरी बात। क्यों दूर खरी से हूर सहे मारन तेगनाड़ के रे। क्यों दूर खरी से हूर सहे मारन तेगनाड़ के। ओ किस पाड़ के आंख लकारा रगोरी हो नहीं गुजारा। ओ किस पाड़ के आंख लकारा सारा है। बिल्कुल। और कोई सारा नहीं? कोई सारा नहीं। अगर मेरी बात मान लेगी, मेरा गेल चल लगी तो मैं भी असली हूँ। के हो आप? अरे मैं मानस सुगनी धन दौलत जागीर का सकता हूं जी? मेरा नाम शकुंतला है। शकुंतला? हाँ जी। एक ऋषि की कुटिया पर रहती हो आप? बिल्कुल, एक कुटिया पर रहती हूँ मैं। आपके माता पिता का नाम? मेरा और कोई सारा नहीं है, ना मेरे को ये पता कि मेरी माँ कौन है, ना मेरे को ये पता कि मेरा बाप कौन है। यानी कि ऋषि लालन पालन करते हैं? हाँ जी, मैं कणव ऋषि की कुटिया पर रहती हूँ, मैं उन्हीं को अपनी माँ। अगर तू इतनी बेसहारा है तो तू मेरे साथ साल, मैं तने मेरी रानी बना के ले चलता हूँ। नहीं जी, आप मेरी बात मान ले। मेरी बात बिल्कुल भी नहीं। क्या कहना था तीन भैया? सम्मान करते हैं मेरे भाई बड़े रागनियों के आजीज प्रेमी राम किशन कवाड़ी जी, 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं।
धन्यवाद करते धन्यवाद धन्यवाद। सुगंधला मान ले मेरी बात, देखिए अगर मेरी बात मान लेगी तो तने दुख पाना नहीं पड़ेगा। अगर कोई असली इंसान होता है हाँ? वो न तो किसी दूसरी बाण बेटी की तरफ का दिल लगाया करता। अच्छा आपका मन व्यवहार ठीक नहीं लगा? ठीक नहीं लगा बिल्कुल भी नहीं। ईव नहीं तो थोड़ी देर पास माननी पड़ेगी बात, बिल्कुल भी नहीं। बताइए धर रास हेरतरे रूप ने देख के गोरी मेरा पेटा भर रास रे। देखिए हाँ आपसे मैं एक बात करना चाहती हूँ। क्या? अगर मैंने आपकी बात मान ली, अगर मैंने थोड़ी सी भी बात अगर मान ली हाँ? तो यह इंसान की जात बड़ी धोखेबाज जात हो यार। इंसान की जात धोखेबाज हो है। हाँ जी आपने जिद्दी करने का कोई फायदा नहीं। मैं एक बार फिर बता सुनिएगा मेरी शाबाश। भगत सिंह कदे जी खबरा जा तेरा इस बंद मकान में। फिर सो सो पड़े मुसीबत बेटा, सो सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में। भगत सिंह कदे जी खबरा जा तेरा
भरी जवानी में फांसी टूटा उसने शोक नहीं था कि हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे रहे एक साथ रहे, एक दूसरे का दर्द समझे। और कैसे कहा, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों नफरत की लाठी छोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पक्षी हो, देश छोड़ दिए। अगर पक्षियों जैसा दिमाग डाल देता तो ये बातें नहीं होती। पक्षी होया करे जितना उन्हें चाहिए, वे उतना ही दाना उठाया करे, बाकी दूसरा की खातर छोड़ दिया करे। अरे इंसान बचपन से लेके बुढ़ापे तक मर जाएगा लेकिन खाऊ पाड़ू रहेगा, यो भी ले लूं, यो भी ले लूं, यो भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसने भी अड़प लो, उसने भी अड़प लो। अरे मानस ही नहीं रहोगे तो जमीन का जायदाद का फूकोगे, के कर लोगे, जितना चाहिए उतना रखो, बाकी दूसरा खातर छोड़ दो। आइए दूसरी बात में कैसे वो भगत सिंह की माँ के समझान लगी, क्या प्यार नहीं कर सकता। दूसरा तो प्यार करने खातर खुद तो प्यार होना बहुत जरूरी होया करे, क्योंकि शायद उल्टे सीधे काम करते करते हम ये भूल जाते हैं कि मारे पीछे बहुत लोग जी रहे हैं। एक जिंदगी ऐसी होती है जब इंसान अपने लिए जीता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया करे जब वो दूसरे की खातर जीना शुरू कर दिया करे। कहने लगी कि जो बीड़ा उठाया है तने, अब इसने पूरा भी करना पड़ेगा, कदम बढ़ाना सीखो, के तो आर के पार, के तो बाबा रेल में ना बाबा जेल में। आइए तीसरी बात में आइए, इस
सच्चाई बात है कि इस देश में, इस धरती पे आप खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। हमें बहुत गर्व होना चाहिए अपने ऊपर कि हमने हरियाणा के अंदर जन्म लिया। अरे मैं तो राम तो दोबारा भी कहूँ कि हे भगवान, अगर दोबारा जन्म दे तो इसी धरती पे, इसी कर्म भूमि में जन्म दे, क्योंकि और हमारे लायक भी कौन है। जाओ मैं खुल गया कह अगर। आइए आखिरी बात में, हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध कवि दादा मांगेराम जी ने अपनी छाप लगा दी और कितनी सुंदर बात बता दी कि कुछ लेके नहीं जाना, धरती पर खाली हाथ आया खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए सिर्फ एक ही चीज करो और वो एक दूसरे से प्यार और कुछ भी नहीं। आइए शरणा मांगे राम गुरु का शरणा, हर के नाम अमर से करना, हर के नाम अमर से करना, मांगे राम गुरु का शरणा, हर के नाम अमर से करना। एक दिन होगा सबने मरना, एक दिन होगा सबने मरना, एक दिन होगा सबने मरना, एक दिन होगा सबने मरना। ती भगवान हो भगत सिंह पदवी जोरदार तालियां।